नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है। इसमें एक बात आपको बता दें, ये जो हमारा बायोस आईसी है और ये आईसी, ये मोबाइल, ये पेन ड्राइव, ये मेमोरी, ये हार्ड डिस्क, ये इसमें जितने भी डेटा होते हैं, वो चाहे ऑडियो डेटा हो चाहे वीडियो डेटा हो, ये जितने भी डेटा अगर एक बार कहीं पे स्टोर हुए या डाउनलोड हुए, उसे अगर किसी वजह से उसमें डिलीट कर दिए आप, या किसी वजह से उसमें जो है डेटा करप्ट हो गया और काम नहीं करता है, तो उसका जो है फिर से रिकवरी की जा सकती है, ठीक है, वो सॉफ्टवेयर के द्वारा। अब इसको हम और भी इम्पोर्टेंट बताते हैं, जैसे यहाँ आप इसके पेन ड्राइव में कोई भी अगर डेटा इंस्टॉल किए हैं, डाउनलोड किए हैं, और उसको जो है आप डिलीट कर दिए और फिर इसमें दूसरा डेटा डाउनलोड कर दिए, तो ऐसा नहीं कि वो गायब हो गया जो इसमें पहले था, उसकी भी रिकवरी की जा सकती है, ठीक है, जब चाहे जब वो मिल जाएगा। अब इसमें आपको बता दें, जो डेटा लेवल की बातें हैं, ये अगर किसी कंडीशन में यहाँ पे मान लीजिए कोई डेटा करप्ट हो गया या ब्रेक डाउन हो गया, तो उसे क्या होता है कि फिर से उसको कॉपी करके और फिर दोबारा इसमें डाउनलोड करके उसको आप रन करा सकते हैं, यानी उस सॉफ्टवेयर को रन करा सकते हैं आप, ठीक है। और इसमें और भी जो डेटा है, वो मान लीजिए अगर कोई भी डेटा हो इसमें, इसका नहीं, यहाँ पे चाहे पेन ड्राइव का हो चाहे हार्ड डिस्क का हो, इसकी रिकवरी बहुत ही आसानी से की जा सकती है। इसके बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, उससे रिकवर किया जा सकता है। अब आता है कि डेटा की डाउनलोड जो है किस बेस पे होता है, यानी जो उसका मैंने बताया था कि 01 के फॉर्म में जो डेटा इंस्टॉल किए जाते हैं सॉफ्टवेयर, उसका जो जैसे आप कहीं पे मान लीजिए एक रेखा खींचते हैं ऐसे, जैसे यहाँ पे कोई भी रेखा नहीं खींची गई है, लेकिन आपने कोई भी रेखा खींची ऐसे, आपने इसको अगर मान लीजिए मिटा दिए, फिर से जो आपने खींचा है उसको जो एक बार खींच दिए हैं, उससे जो है रिकवर करके दिखाया जा सकता है। ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप हो चुका है और ये सब पहले से है, लेकिन अगर जिनको इसका नॉलेज नहीं है तो उनको हम बता दें कि अगर मोबाइल में भी आप चाहे इसका पूरा फॉर्मेट मार दें, तो भी जो है इसमें जो भी आप चाहे फ़ोटो खींचे हो चाहे पिक्चर हो, या भूल से कहीं कोई फ़ोटो लिए हो, इमेज हो, या कोई आपका बहुत सीक्रेट हो, ठीक है, डेटा, अगर एक बार आपने कहीं भी उसे डाउनलोड किया या वो स्टोर किए और उसको बाद में आप डिलीट भी किए, तो भी वो रिकवरी की जा सकती है, वो चाहे सॉफ्टवेयर हो चाहे ये कोई भी डेटा हो, ऑडियो। अब आ जाते हैं कि यही जो हमने 01 फॉर्म में बात की थी, अब इसको हम और बताएंगे मेंटल, इस पे मेंटल स्टेप पे, कि आपका जो ये वॉइस निकलता है, ये टोटल एक डेटा बेसिस पे काम करते हैं। जैसे आप बोलते हैं तो भी ये 01 फॉर्म में एक ग्राफ बनते हैं, इसको अगर आप चाहें तो इंस्ट्रूमेंट से, माइक से इसको रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। अगर रिकॉर्ड भी नहीं करते तो इनवर्स में ऑलरेडी ये जितने भी आपके बोले गए शब्द हैं या जो अंदर से सोचे गए, जनरेट किए गए कोई भी थॉट्स हैं, तो वो सारी चीज़ों का एक ग्राफ बनता है, वो जो कि डेटा के रूप में होता है। इसको हम और एक्सप्लेन करके बताएंगे, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेटवर्क है ये यूनिवर्स में, यहाँ पे कोई भी अगर आप एक कदम भी चलते हैं, तो भी जो है उसके जो इलेक्ट्रिकल वेवफॉर्म होते हैं उसमें चेंजेज आते हैं, और चेंजेज आते हैं तो उसके जो ग्राफ बनते हैं, उसके ग्राफ बनते हैं वो डेटा के रूप में होते हैं। डेटा ये ऑलरेडी यूनिवर्स में सब कुछ एक समझ लीजिए स्टोरेज का काम करता है। अब इसको हम और आगे समझते हैं कैसे, अब ये प्रैक्टिकली के लिए हमने बता दिया कि जिसको डाउट हो तो आप इसको कॉपी करके और दोबारा इसी सॉफ्टवेयर को इसमें रन करा कर देख सकते हैं, अगर ये आईसी फिजिकल रूप से सही है तो, और नहीं तो इसी डेटा को कॉपी करके आप अदर दूसरे आईसी में भी रन करा सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, और देखते रहिए।